अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने घरों में खुशपाश होंगे। कैसे हैं आप लोग? आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कहा चलो जी सुबह सुबह उठे हैं तो सुबह सुबह व्लॉगिंग शुरू की जाए। बादल आए हुए हैं बहुत ज़बरदस्त से, और आज का मेरा प्लान, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि आज है मेरी मामा की बर्थडे, तो आज हम लोग जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए, इन्जॉय करने के लिए। आज भी मैंने मौसम की बात की और बारिशें शुरू हो गई हैं, हल्की हल्की से फुहार पड़नी शुरू हो गई है, और अब मैं सोच रही हूँ कि आज हमारा दिन जो स्टार्ट होना है वो कैसे होगा। लेकिन चलें जी, रात तक तो थम ही जाएगी, हल्की हल्की बारिशें इतनी तेज़ नहीं हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं अब जाने लगी हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। देखते हैं कि आज मम्मा की बर्थडे के लिए कौन से कपड़े पहने जाते हैं, तो देखते हैं। आपको बताया कि अभी दोपहर का वक्त हो रहा था, रात में तो हमने जाना है मामा की बर्थडे के लिए, तो मैंने कहा चलो जी दोपहर में कुछ अच्छा सा मज़े का खाना बना लिया जाए। तो हम बनाने लगे हैं यहाँ पे मैक्रोनी। मैक्रोनी मैं बॉईल कर चुकी हूँ। आज मैं दो तरह की मैक्रोनियाँ बना रही हूँ। एक है, मैंने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया था। 5 से 7 मिनट लगते हैं मैक्रोनी को बॉईल होने में। मैंने अच्छा खासा पानी को गर्म किया, उसके बाद नमक डाला, थोड़ा सा तेल डाला और मैक्रोनी बॉईल की। यहाँ पर मेरी हो रही है चिकन रेडी, और अभी चिकन पक रही है। इसमें फिर मैं ज़रा थोड़ा सा अचारी मसाला डालूंगी अपने घर का, और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, ओरिगेनो, मैक्रोनी तैयार होगी। अभी मैं सिर्फ फ़िलहाल चिकन को पका रही हूँ, नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी, जस्ट मैं अभी चिकन पका रही हूँ और मैंने मैक्रोनी बॉयल की है। इसको मैं कर देती हूँ चूल्हा तेज़, ताकि ये चिकन के पानी में, अपना जो इसका चिकन का पानी है उसमें वो तैयार हो जाए, ठीक है। और रात में मैंने जाना है मम्मा की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने आज मम्मा के 2 केक काटे हैं, एक रात में काटा था, उसकी भी छोटी सी वीडियो इस वीडियो में डालूंगी, और एक मैं काटूंगी शाम में। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू जान। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Thanks, Moin. Thanks. Happy birthday, next mama. यहाँ गाड़ी आ गई थी और मैं गाड़ी में बैठ के जाने लगी हूँ, और मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि मैंने आज मामा की बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है, तो मैं मामा की बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गई हूँ। हम लोग आए हैं मामू के लिए कबाब हाउस, मामू दीदी कबाब हाउस है यहाँ पे, ये है वाटर पम्प पे। मेन्यू चेक करते हैं इसका। अच्छा जी, तो इसमें कटाकट मौजूद है, बारबेक्यू मौजूद है, रोल, कढ़ाई वगैरह, बारबेक्यू मौजूद है। अच्छा जी, इसमें और क्या क्या मौजूद है दिखाते हैं। ये है माहू दिल्ली का ये मेन्यू कार्ड है, ये फडलवीरिया में है वाटर पम्प पे, और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, आप लोग भी आइएगा ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आज अपनी मामा को लेकर आई हूँ यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो देखते हैं इसमें से क्या ऑर्डर करते हैं। और मुझे मेन्यू तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत मुनासिब पैसों में खाना दे रहे हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या खाना है। मामा अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं हम? ठीक ठाक। आज मेरी बेटी मुझे यहाँ लेके आई है, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा खाना आप लोग आए ट्राई करें, और आज मेरी बर्थडे। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, हैप्पी बर्थडे मम्मी। और आज आप कितने साल की हो गई हैं? मैं 57 ईयर्स की। आवाज़ नहीं आ रही ऑडियंस को। 57 ईयर्स की। 57 ईयर्स की हो गई हैं, और यहाँ पे आए हैं हम मेन्यू डिसाइड करने, तो क्या खाएंगी आप डिसाइड करें? बिहारी बूढ़ी मंगवाते हैं, और जिसके चश्मे बिना नज़र भी नहीं आ रही सही से। अच्छा जी, चलो जी, चश्मे का मसला है, हम पढ़ के बताते हैं कि आपने इसमें से क्या क्या खा सकती हैं आप। कटाकट खाएंगी?
अच्छा जी, रोल वगैरह बारबेक्यू देखें, बारबेक्यू में देखें क्या खाना है आपने। मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताएं कि आज की बर्थडे का दिन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। और ड्रेस आप कौन सा पहनी है? अच्छा, बोनेंजा सतरंगी का पहनावा है। बोनेंजा सतरंगी का। ओके, तो ये किसने दिया आपको? बड़ी बेटी ने दिया आपको। चले जी, बोनेंजा सतरंगी का नाम हम रोशन कर रहे हैं और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी मामा की। तो आज आप कितने साल की हो गई हैं? क्या बताया आपने? 57। बताइए ज़रा, 57 की ये लगती कहीं से 57 की? हाँ, ये स्वीट 16 की हैं, तो इनको ज़रा देखिए करीब से और फोकस करते हैं हम इनके 16 साल की उम्र पे। तो चलो जी, इंजॉय करते हैं। सही है, आप कुछ बोलना चाहेंगी यहाँ के खाने के बारे में? यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, आप आए और ट्राई करें। और हम यहाँ कितने अरसे से आ रहे हैं? शादी के बाद से ही आ रहे हैं। तकरीबन आपकी शादी को कितना साल हो गया? 1 साल। 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से हम यहाँ पे आ रहे हैं। उप्स, उल्टा पकड़ा। यहाँ पर मैंने मंगवाई थी ये बिहारी बोटी, और बिहारी बोटी बहुत ही टेंडर थी, जूसी थी और बहुत अच्छा टेस्ट था इनका। यहाँ पर अब मैं खाना ट्राई करने लगी हूँ, दिखा रही हूँ कि मैं बोटी खा रही थी और अब मैं टेस्ट करने लगी हूँ। ये एक मैंने नबारा लिया और अब मैं लिटरली, खाना बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, लजीज था, और ये मैं पराठे के साथ लिया था और हमने चपाती भी मंगवाई थी, साथ बोटी थी और बोटी टेंडर थी, बहुत अच्छी जूसी थी। हाईली रिकमेंडेड है मामो देरी जो कि वाटर पम्प पे है। बहुत ही अच्छी इनकी गार्निशिंग थी, मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी गार्निशिंग। ये मैंने केबीस का केक लिया था जो कि बहुत अच्छा था टेस्ट में। ये मैंने ऑनलाइन केक मंगवाया था और ये भी बहुत अच्छा था। मैंने 2 केक आज ऑर्डर किए थे, एक रात में काटा था और एक अभी। तो आज हम लोगों ने खूब सारा इन्जॉय किया, मस्ती की, मजाक किया, हम लोग बाहर भी गए, घर पे खाना भी अच्छा बनाया, केक भी कट किए 2 तरीके के। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके बेल आइकन का भी बटन दबा दो और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जल्दी जल्दी जाके शेयर करो। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ, एक नई बातों के साथ। इंशाल्लाह मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले।